हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसे भारत का दिल कहा जाता है। ये शहर भारत की सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए है और ये जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। इसी शहर में आपको भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे छोटी मस्जिद देखने को मिलेगी। एक ऐसा शहर जिसको झीलों का और पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हर साल यहां लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी इसी शहर में है। एक ऐसा शहर जहां पुराने समय से ही पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। बेगम के शहर के नाम से भी जाना जाता था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा साफ शहर भोपाल के बारे में। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं शहर के सुनहरी यात्रा पर। सबसे पहले बता दें कि भोपाल भारत के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प शहरों में होते हैं। भारत के चुनिंदा खास पर्यटन स्थलों में शामिल भोपाल हर साल भारी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बोली, खान पान और यूनिक लाइफ स्टाइल यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। भोपाल देश के मध्य भाग में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 527 मीटर है। ये शहर विंध्याचल पर्वत के पूर्व में स्थित है। भोपाल शहर पहाड़ी क्षेत्र पर बसा है, लेकिन यहाँ का तापमान काफी गर्म रहता है। आप यहाँ श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स और कटरा हिल्स को देख सकते हैं। यहाँ का भूभाग ऊंचा नीचा है। भोपाल में रहने वाले लोग बहुत ही शांत और अनुशासित माने जाते हैं। ये लोग अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। सबसे बड़ी बात इन लोगों की जो साफ सफाई के प्रति जागरूकता है, वो भारत के बहुत कम शहरों में देखने को मिलती है। ये लोग अपने आसपास की जगहों को बहुत ही साफ रखते हैं। दोस्तों, भोपाल शहर की अर्थव्यवस्था भारी उद्योग पर आधारित है, जिसमें दवा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, बिजली के सामान का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही शहर में कपास, आटा पिसाई, कपड़ा बुनाई, माचिस बनाना, मोम और खेल के सामान की भी इंडस्ट्री है। भोपाल के मंडी द्वीप में एक्लेयर और कैडबरी की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोड प्लांट भोपाल में ही स्थित है। इस शहर में 69.20% हिंदू, 26.28% मुसलमान, 1.35% जैन, 1.12% ईसाई और 0.08% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वहीं अगर यहाँ की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो 85.24% है, जिसमें पुरुषों में लिटरेसी रेट 89.2% और महिलाओं के बीच लिटरेसी रेट 80.1% है। भोपाल में मेडिकल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, आर्किटेक्चर, फैशन और लॉ के लिए भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं। इंजीनियरिंग हब के रूप में जाना जाने वाला ये शहर गर्व से खुद को इंजीनियरिंग के लगभग 150 प्रतिष्ठित संस्थानों का घर कहलाता है। दोस्तों, आजकल चारों तरफ ज्यादातर बड़े शहरों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भोपाल शहर अभी भी भारत के सबसे हरे और स्वस्थ शहरों में अपना स्थान बनाए हुए है। भोपाल को स्थापित और विकसित करने का श्रेय दो अलग अलग सम्राटों को जाता है। भोपाल को 11वीं शताब्दी के दौरान राजा भोज ने बसाया था, इसलिए इसे भोजपाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भोपाल की आधुनिक संरचना का खाका 1724 में दोस्त मोहम्मद ने तैयार किया था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस शहर को विकसित करने के लिए कई काम किए। दोस्तों, मोहम्मद औरंगजेब के समय मुगल सेना के खास गवर्नरों में से एक थे, जिन्होंने बाद में अपने लिए एक अलग क्षेत्र का निर्माण कर लिया था और वो क्षेत्र वर्तमान का भोपाल है। भोपाल में कोई भी भोपाल वाला नहीं है। ये अनोखा शहर है क्योंकि यहाँ का हर बाशिंदा कहीं न कहीं बाहर से ही आया है। भोपाल के जो असली निवासी थे वो गोंड लोग थे। भोपाल हमेशा से गोंड राजाओं का राज्य था, जिसकी अंतिम शासिका रानी कमलापति थी। भोपाल हैदराबाद के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली रियासत थी। आजाद भारत में विलय होने से पहले यहाँ के अंतिम नवाब की इच्छा थी कि भोपाल को एक स्वतंत्र रूप दिया जाए। भोपाल एकमात्र ऐसी रियासत बनी जिसने सबसे अंत में भारत का हिस्सा बनने के लिए हस्ताक्षर किया। भोपाल को उन खास रियासतों में गिना जाता है जहां शासन करने और बड़े फैसले लेने का हक पुरुषों के साथ साथ समान रूप से महिलाओं को भी प्राप्त हुआ। इस शहर ने मुस्लिम रानियों के शासन के दौरान अपना स्वर्णिम काल देखा, जिन्हें अधिक लोकप्रिय रूप से बेगम कहा जाता है। एक के बाद यहां कई बेगमों ने राज किया। सन 1748 ईस्वी से लेकर 1926 ईस्वी तक ये शहर चार बेगमों द्वारा संभाला गया, जिसकी शुरुआत कुदसिया बेगम से हुई, जो भोपाल की पहली महिला शासक बनी। उन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। बेगमों के राज में शहर ने काफी उन्नति की। विल भोपाल शहर में खान पान की भी एक अलग खासियत है। शहर की नवाबी विरासत और नफासत की खुशबू हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के नॉनवेज खाने का जायका तो खास है, साथ ही वेज पकवानों की लज्जत भी कम नहीं है। नवाबी दौर का बेमिसाल खान पान यहाँ की पहचान रहा है। उस समय के खान पान में नॉनवेज ज्यादा शामिल रहता था, इसलिए भोपाल के चर्चित खानों की खासियत प्रमुख तौर पर आज भी नॉनवेज है। फिर भी यहाँ आपको कई ऐसे बेहतरीन डिशेस चखने को मिलेंगे जिन्हें चख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आपको कभी यहाँ आने का मौका मिले तो आप यहाँ के भुट्टे के कीस, दाल बर्फी, मटन पाया सूप, मटन कबाब और पोहा जलेबी का स्वाद जरूर चखिए। यकीन मानिए, जो स्वाद आपको यहाँ के खाने में मिलेगा वो शायद ही और कहीं मिले। इसके साथ ही आप यहाँ के वर्ल्ड फेमस भोपाली पान का आनंद लेना मत भूलिएगा। बता दें कि भोपाल को पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि भोपाल पांच पहाड़ियों पे बसा हुआ है। इसकी सुंदरता यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की हरियाली को देख आपका मन यहाँ से जाने का करेगा ही नहीं। चारों तरफ आपको साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, जिससे आपके दिल को जो शांति मिलेगी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकते।
प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही यहाँ की शांति आपको सुकून से भर देगी। धार्मिक स्थलों के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक शांत नजारे आपको अध्यात्म की ओर भी ले जाएंगे। दोस्तों, अब तक आपने आगरा के ताजमहल और इसकी खूबसूरती के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आगरा का ताज ही भारत का एकमात्र ताजमहल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भोपाल में भी एक ताजमहल है। दोनों के बीच फर्क इतना है कि आगरा का ताज मुमताज की कब्र के लिए बनाया गया था, जबकि भोपाल का ताजमहल पैलेस नवाब ने अपने निवास के लिए बनवाया। आगरा के ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और इसे भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाया था। 1871 में शाहजहां बेगम ने अपने निवास के लिए इस ताजमहल पैलेस को बनवाना शुरू किया। 13 साल में 17 एकड़ में फैला ये महल बनकर तैयार हुआ था। इसे बनवाने में उस जमाने में 30 लाख रुपए का खर्च आया था। अब कोई बात सुनकर हैरानी हो सकती कि भोपाल में स्थित प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद को बनाने में लगभग 100 साल का समय लग गया। इस मस्जिद के निर्माण की शुरुआत मुगल काल के दौरान नवाब शाहजहां बेगम ने की थी और इसका निर्माण उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम के समय तक जारी रहा, पर पैसों की कमी होने के कारण मस्जिद बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन 1971 में मौलाना इमरान अजहर और मौलाना सईद हाशमत अली साहब के कड़े प्रयासों से ये मस्जिद पूर्ण रूप से बनके तैयार हुए। भले इस मस्जिद को ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसका असली नाम ताजुल मसाजिद है, जिसका मतलब है मस्जिदों का राजा। इसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है और दिल्ली के जामा मस्जिद के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। भोपाल के आसपास का क्षेत्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में निर्मित सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए जानी जाती हैं। ये 600 गुफाओं का संग्रह है और इसे भारत के सबसे पुराने गुफा संग्रहों में से एक माना जाता है। यह अपनी कुछ अद्भुत रॉक नक्काशियों और चित्रों के लिए पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि कुछ रॉक शेल्टर 1 लाख साल से भी पहले बसे हुए थे। ये गुफाएं भारत में एक विश्व धरोहर स्थल भी है और यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इसका कारण यहाँ निर्मित छोटी बड़ी कई झीलें हैं, पर खास तौर पर राजा भोज द्वारा बनवाई गई बड़ी झील या बड़ा तालाब सबसे खूबसूरत और मशहूर स्पॉट है। भोपाल की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वह है बड़ा तालाब, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बड़े तालाब में शाम को बोट में बैठ के घूमना और यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए हर दिन लोगों की बेहद अधिक भीड़ देखने को मिलती है। बड़े तालाब में घूमती हुई पेडल बोट और क्रूज बोट के नजारे किसी समुद्र के बीच जैसे दिखाई देते हैं। लेक व्यू से 500 मीटर की दूरी पर ही बड़े तालाब के बीच में एक टापू पर एक दरगाह है और जो भी नौका विहार करते हैं वो यहाँ पर जरूर जाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही छोटी झील या छोटा तालाब दूसरी फेमस झील है और शाहपुरा लेक भी सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। विल, हमने आपको पहले ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद के बारे में बता दिया जो भोपाल में है। अब हम आपको जो बताएंगे वो सुनकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। भोपाल की 2.5 सीढ़ी मस्जिद को देश की सबसे छोटी और भोपाल की सबसे पहली मस्जिद होने का दर्जा हासिल है। इसके अलावा इसे एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद नवाब दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1716 में बनवाई गई थी। इस मस्जिद के नामकरण की अपनी एक अलग ही कहानी है। इसके निर्माण के वक्त हर चीज यहाँ 2.5 बनाई गई है, सीढ़ियाँ 2.5 हैं। जिस जगह पर ये मस्जिद स्थित है वहाँ कमरों की संख्या भी 2.5 है। इसके अलावा पहले जिस रास्ते से यहाँ आया जाता था वहाँ भी सीढ़ियों की संख्या 2.5 ही है। इस मस्जिद का इतिहास 300 साल पुराना है। हालांकि दोस्तों, भोपाल शहर का नाम एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से भी जुड़ा हुआ है। भोपाल की गैस ट्रेजेडी पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 2-3 दिसंबर 1984 की उस रात को भोपाल क्या पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। देश ही नहीं, दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी की कई दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखे होंगे, लेकिन 38 साल पहले की वो रात कैसे हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर गई ये बयान नहीं किया जा सकता। ये हादसा उस समय हुआ जब पूरा शहर गहरी नींद की आगोश में था। इस दौरान मिथिल आइसोसाइनाइट गैस का ऐसा रिसाव हुआ कि देखते ही देखते गैस ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जब गंध और शोर से लोगों की नींद खुली तो वो घर से निकलकर भागने लगे, लेकिन तब तक हवा में इतना जहर फैल गया था कि लोग पत्तों की तरह दौड़ते भागते चीखते चिल्लाते हुए मरने लगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 5,000 के करीब मौतें हुई। लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन 2 ही अस्पताल होने की वजह से हालात बेकाबू हो गए। इस गैस कांड के चलते 25,000 से अधिक लोग शारीरिक तौर पर पूरी तरह विकलांग हो गए। इंसान ही नहीं, हजारों जानवर भी इस ट्रेजेडी का शिकार बने। आज भी इस ट्रेजेडी के शिकार कई लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। कई सवाल अब भी ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। फिर भोपाल शहर में 2 रेलवे स्टेशन है, पहला तो भोपाल रेलवे स्टेशन और दूसरा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया है। ये स्टेशन भारत का पहला स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है। ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में एक एयर कॉन्कोर्स है जिसमें एयरपोर्ट की तरह ही दुकानें और कैफेटेरिया हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कई आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली है। बता दें कि ये स्टेशन 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें यात्रियों के आने जाने से लेकर हर तरह की आधुनिक व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये था भारत का अनोखा शहर भोपाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये
एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको भोपाल की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो भोपाल, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।